हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे के बढ़ते हुए मोटापे से परेशान हैं तो आज मैं आपके साथ उनके वज़न को कंट्रोल करने के कुछ उपाय शेयर करने वाली हूं। तो आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बच्चों का बढ़ता हुआ वेट एक गंभीर समस्या है। अक्सर पेरेंट्सों से ये कहते हुए सुना है कि उनका बच्चा कुछ खाता पीता भी नहीं है, फिर भी उनका वेट बढ़ता जा रहा है। कई बार तो ये जेनेटिक होता है, लेकिन कई बार खान पान की वजह से भी बच्चों का वेट बढ़ने लगता है। बच्चों के मोटापे के कई कारण हो सकते हैं। ऐसे में आप उनकी डाइट चार्ट बनाकर और उनकी एक्टिविटीज़ पर फोकस रखकर उनके मोटापे की समस्या को काफ़ी हद तक कम करने में उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे का मोटापा कम करना चाहते हैं तो उनके खान पान में ये बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि वज़न घटाने के लिए सुबह उठते ही अपने बच्चे को कुछ खाए पिए बिना आप उसे एक गिलास पानी पीने की आदत डालें। अगर वह पानी पूरी रात पीतल के बर्तन में भरकर रखा गया हो तो और भी फायदेमंद होता है। पानी पीने के बाद आप अपने बच्चों से एक्सरसाइज कराएं या उन्हें चलने के लिए कहें। ऐसा करने से उनके शरीर को एनर्जी मिलती है, साथ में वेट कम होने में भी मदद मिलती है। आप बच्चे को सुबह ब्रेकफास्ट से पहले और लंच के 2-3 घंटे बाद नींबू पानी और ग्रीन टी देना शुरू करें। इससे बच्चे के वेट को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। पके हुए नींबू में शहद मिलाकर चटाने और पिलाने से भी वज़न कम होता है। बच्चों का वज़न कंट्रोल करने के लिए उनका डाइट चार्ट बनाते वक्त उनकी डाइट में आप ककड़ी, खीरा, मूली, चना, मूंग, मटर, पपीता, गाजर और हर प्रकार की दालों को ज़रूर शामिल करें। खाना बनाते वक्त आप अपने खाने में हींग, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग, करी पत्ता जैसे देसी मसालों का सही मात्रा में प्रयोग करें व छौंका लगाएं। ऐसा करने से पेट तो साफ रहेगा ही, साथ में फैट भी जमा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप बच्चे को खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से रोकें, इससे तेज़ी से वज़न बढ़ता है। तला हुआ खाना, घी, आलू, मैदे से बनी हुई चीज़ें, चावल, चीनी वगैरह चर्बी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। मोटापा कम करना है तो बच्चों को ये सब देना छोड़ दें। एक्सरसाइज और योग बीमारियों को शरीर से दूर रखता है और एनर्जी देता है। ऐसे में जहाँ तक हो आप बच्चों को एक्टिव बनाएं, एक ही जगह बैठे रहने की आदत को छुड़वाएं, बच्चों को लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करने की आदत डालें, प्रतिदिन 1 से 3 किलोमीटर वॉक करने के लिए भेजें। चाहें तो आप उनको कंपनी भी दे सकते हैं। टीवी देखने और वीडियो गेम खेलने की बजाय आप बच्चों को बाहर मैदान में दौड़ भाग करने के लिए भेजें। खेल खेलने से कैलोरी बर्न होती हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपका बच्चा रात में पर्याप्त नींद ले रहा है या नहीं। मनोवैज्ञानिक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बच्चे मेंटल प्रेशर के कारण भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों के माता पिता के बीच होने वाले झगड़े या परिवार के अंदर होने वाले कलह को भुलाने के लिए बच्चे ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। ऐसे में उनका वज़न बढ़ जाता है और वे मोटापे के शिकार हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों के सामने किसी भी प्रकार की खराब एक्टिविटी से बचें, जिससे उनके मन को चोट ना पहुँचे। बच्चों को ज़्यादा खाना खाने से रोकने के लिए उनको समझाना ज़रूरी है कि ज़्यादा खाना खाने से आप मोटे हो जाएंगे और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कम खाएं। ऐसे में आप मोटापे से बचेंगे। एकदम से बहुत कम खाना खाने से भी पेट में गैस की समस्या होने की संभावना होती है। जितना हो सके आप उनको घर पर खाना खाने की आदत डालें। ज़रूरत पड़ने पर आप घर में ही उनके मनपसंद का खाना बनाएं और उनके साथ खाएं। इसलिए जब भी आप ग्रॉसरी या सब्ज़ी खरीदने जाएं तो उनको अपने साथ लेकर जाएं, जिससे वे अपने मनपसंद की सब्ज़ी और ग्रॉसरी ले सकें और आप उन्हें घर पर तैयार कर सकें। इससे बच्चों को घर में खाना खाने की आदत पड़ेगी और वे स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा आप बच्चों को भी कुकिंग में कुछ सिखाएँ, जैसे कम तेल खाने से शरीर में क्या लाभ होता है या कम मसाले के खाना खाने से क्या फ़ायदा होगा और कम खाना खाने से कैसे वज़न कंट्रोल में रहेगा। इस तरह की जानकारी देते रहें, जिससे वे खुद ही धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति जागरूक होंगे और स्वस्थ और फिट रहने में अपने आप की मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए, साथ में कमेंट भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।